जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधियों की धरपकड़ अभियान चला रही है, वहीं थाना कोसी कला पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। पुलिस की लापरवाही के चलते जब नजर आई है कमला नगर के लोगों ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, वहीं कुछ दिन बाद लक्ष्मण प्रसाद का शव मिला। कुछ ही दिन पूर्व थाना कोसी कला में कमला नगर निवासी ने अपने पुत्र लक्ष्मण प्रसाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। काफी ढूंढने के बाद पता चला कि उनका पुत्र लक्ष्मण अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। थाना कोसी कला के प्रभारी पर फूटा गुस्सा न खुश नजर आई एवं प्रभारी से कमला नगर के लोग आज नगर पालिका का शपथ ग्रहण समारोह था, तभी कमला नगर के दर्जनों लोगों ने आकर इंसाफ की गुहार लगाई और कहा अगर चाहते हो कोसी कला तो पुलिस हमारा बेटा इस दुनिया में जिंदा दे दो, नहीं तो परिजनों का सिर्फ यही कहना है कि हमारे बेटे को इंसाफ चाहिए, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको पकड़ कर सलाखों के पीछे भिजवाया जाए। मैं त्यागी से निवेदन करता हूँ, मार्ग क्षेत्र से विधायक शर्मठ लगनशील विधायक के स्वागत के लिए श्री निर्भय पांडे जी और अध्यक्ष जी से निवेदन शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। बेटा मेरे, तू स्वागत कर रहा बेटा मेरे, ओ बेटा, तू स्वागत कर रहा मेरे पे, ओ बेटा, ओ बेटा मेरे।